नमस्कार मेरे किसान भाइयों, हमारे इस चैनल किसान क्लिनिक सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन बात कर लेते हैं जो धानुका कंपनी का गोडीवा सुपर प्रोडक्ट आता है किसान भाइयों, थोड़ा उसके बारे में। तो इसके अंदर कौन सा टेक्निकल होता है किसान भाइयों, और कैसे ये वर्क करता है, और कौन कौन से रोगों पर इसका छिड़काव कराया जाता है किसान भाइयों, इसके बारे में थोड़ा हम आपको जानकारी देंगे। तो इसके अंदर टेक्निकल है किसान भाइयों एजॉक्सिस्ट्रोबिन। गोडीवा सुपर क्या होता है, दो शक्तिशाली सक्रिय तत्वों का क्या होता है, मिश्रण है, और यह एक फफूंदनाशी है तथा रोगों के जो रोग होते हैं उनके विरुद्ध लड़ने में बहुत ही प्रभावकारी अपनी रिजल्ट दिखाता है किसान भाइयों। जैसे ही किसान भाइयों इसका अपन छिड़काव फसल पर करते हैं तो स्प्रे कराते समय पत्तियों पर इसका छिड़काव हो जाता है किसान भाइयों। तो उसके बाद क्या करता है, ये अंतर प्रवाही क्रिया द्वारा पत्तियों के नीचे भी पहुंच जाता है, जिससे फसल को रोगों से बचाता है, और कोई भी फंगीसाइड ऐसा नहीं करता। ये अंतर प्रवाही कीटनाशक है, फफूंदनाशी है किसान भाइयों। एजॉक्सिस्ट्रोबिन में क्या होता है, जो जाइलम ऊतक होता है ना, वो पेड़ पौधों में वृद्धि डालता है, भोजन प्रवाह करता है, जड़ों से लेकर पौधे तक भोजन आता है। जाइलम जो ऊतक रहता है उसका कार्य रहता है किसान भाइयों। और किसान भाइयों जो धान में अपना शीत ब्लास्ट और ब्लास्ट जैसे रोग लगती हैं, तो उससे मतलब छुटकारा पाने के लिए इसका स्प्रे अवश्य कराएं, जल्दी अपन को निजात मिलेगी, जो फसल होगी उसको। गोडीवा सुपर एक अभिजात फफूंदनाशी है जो आधुनिक रसायनों के संयोजन से बना हुआ है। यह धान में जो झंडा पत्ता, फ्लैग लीफ, कभी कभी झंडा रोग आ जाता है, तो इसका छिड़काव करने से उस रोग का निवारण होगा। इसके प्रयोग से पौधों में हरा भरा पन आ जाता है और बालियों में अधिक से अधिक किले निकलने लगते हैं। इससे पौधों में जो शीत ब्लास्ट और ब्लास्ट जैसे रोगों से निजात मिलती है किसान भाइयों। गोडीवा सुपर का अगर अपन धान पर स्प्रे कराएं तो इसमें पेड़ पौधों में चमक, वो इसके जो दाने होते हैं उनमें थोड़ी सी चमक आ जाती है, और अपनी एकदम से फसल शानदार दिखाई देती है किसान भाइयों। तो इसका स्प्रे कराइए किसान भाइयों। इसकी मात्रा है 200 मिलीलीटर प्रति एकड़। अब प्रयोग करने का समय किसान भाइयों, पहला छिड़काव रोग लगने की शुरुआती अवस्था में कर दें और दूसरा छिड़काव लगभग 15 से 20 दिन बाद कर दें किसान भाइयों। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।